सो गाइज गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा लग रही है ठंड और वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और हम जयपुर के लिए अभी निकलेंगे और सारा जो पैसा उड़ाना है ना, जो पैसों की धसियाँ उड़ानी है, वो सारी हम जयपुर में करने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में तो हम सस्ते के लिए आए थे और अपने शो के लिए आए थे, वो हो गया। और बाकी यहाँ पर खर्चा एक बार होटल का लगा, वही लगा। ज़्यादा हमने यहाँ पर खर्चा नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे मुट्ठी को इकट्ठा रखा है। और अब जयपुर में हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है जो कि काम की भी है, और वहाँ पर महंगे मॉल में घुसेंगे तो कुछ खर्चे हो ही जाएंगे। तो चलो जयपुर के लिए निकलते हैं। और रास्ता बड़ा शानदार है भाई, जयपुर का रास्ता है ना, क्या एंजॉय किया हमने। चलो देखते हैं। 6:30 हुई है और हमें निकले हुए कितना टाइम हो गया, 6 बज रहा है यहाँ छः, आधा घंटा हुआ है। और यामाहा बड़ी मुश्किल से हमें सी एन जी का पंप मिला है। अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, बटन लग रही है बुरी वाली। देखिए आई एम वेरी 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 सॉरी कि आपने 7 मिलियन होने की बहुत सारी बधाइयाँ दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इसको इन्जॉय कर पाऊँ। तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना इतना जो है इस बात पे कॉन्सेंट्रेट किया और मुझे कॉन्ग्रेट किया। लेकिन बात ये बताऊँ कि मैं थोड़ा अच्छे से इसको सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करी हुई हूँ। क्योंकि जयपुर से कुछ मोटा ताज़ा खर्चा करते हैं भाई, 7 मिलियन हो गई हैं तो कुछ क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। वैसे बाय द वे अभी तक जिसने भी मुझे बधाइयाँ दी है सब कुछ थैंक यू सो मच। और 7 मिलियन के लिए हमारी फैमिली YT फैमिली 7 मिलियन हो गई है, उसके लिए कितना भी थैंक यू बोलूँ, कितना भी शुक्रिया अदा करूँ, सब कम पड़ेगा। चलो जयपुर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ क्या धमाल मचाते हैं। आप लोगों ने बोला था कि मैंने वो डाली थी, एक पोल डाली थी, उसमें बोला था हम कहाँ घूमने जा रहे, तो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे जयपुर को, तो इसलिए हमने रात को प्लान बनाया कि हम जयपुर जा रहे हैं अभी। तो हमने अचानक जयपुर का प्लान बना लिया। अब हाँ, जो भी पक्षी ऐसे चल रहा होता है ना जमीन पे, वैसे ऐसे चलता है। सही में उसकी जब ऐसे हो रही है। अब ये पक्षी कहाँ से याद आ गया अभी अभी आप तो इसलिए हमने जयपुर का प्लान बना लिया और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। पिज्जा काट रहे हैं, भूख भी लगी है, ठंड भी है। रुको ना, ये वो क्या दीदी आप सुबह सुबह मैं तो लड़ा हूँ कोई ध्यान होने तो पड़ जी। तो एक्सप्रेस हाईवे के पास ये बहुत ही शानदार शानदार रेस्ट एरियाज है और यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर भाई साहब बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस थे हमारे पास, लेकिन बच्चों ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी और काफ़ी सारा फालतू का खर्चा भी करा दिया, तो उसका फिर करेंगे कुछ न कुछ। तो सबसे पहले हमने चाय ऑर्डर करी है, चाय भी बहुत ही बढ़िया सी थी और दिव्या वेट कर रही है कि मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर हो गया है। तो हमने सबसे पहले परांठे ऑर्डर किए और वो परांठे इतने क्यूट थे, क्यूट। या घी कहाँ है? ये चीज़ है ना। अच्छा मक्खन लगाया, मुझे लग रहा है मेरे में। आज तो हगड़ी मखन लगा दियो। इसमें चटनी है क्या है इसमें? देखो चटनी नहीं है। अच्छा ये लग गया। मैं एक चम्मच मारे बैग में। दिया बटर के साथ क्या खेल रही है? दिए के अंदर बटर डाला हुआ है। हाँ क्या ही करे। इतने बड़े बड़े पराठे सिर्फ राजस्थानी यानी मारवाड़ी ही खत्म कर सकते हैं। पराठूड तो एक ये बच्चा सबसे ज्यादा खाऊ बच्चे का अभी तक पड़ा है। पर ना बहुत ज्यादा टेस्टी था सच में। हाँ पराठा टेस्टी था, पराठा भी टेस्टी था और चाय भी बहुत अच्छी। बरसों बाद मक्खन खाया, आपके तो घर पे होता है तो भी आप नहीं खाते हो। खा ही नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता वो वाला मक्खन खाने का टाइम। और दही भी टेस्ट था, दही मैंने नहीं पिया। और अचार मैंने थोड़ा सौगंध पाऊंगी। 1:30 की ड्रिंक पी के उतनी रहनी है ना, तो कोई सुंदर होनी ना बड़ी होनी है। कैसा ताने दिए जा रहे हैं? ताने नहीं दे रही हूँ उसमें आ रही है ज़्यादा अच्छी है, पर स्मेल बहुत गंदी आ रही है। मतलब वो ऐसे ताने नहीं दे रही हूँ हमारा इनके क्या दीदी तो भी पीना इतना क्या जरूरी है? नाक पकड़ नाक पकड़ के पी रहा है। अच्छा होता है बच्चा बुद्धि, बिना सोचे समझे कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं। 130 की दो ड्रिंक यहाँ सरका के छोड़ दी, कैसा करें? मेरे लिए दूसरी। अब बच्चा बुद्धि क्या, ये परी भी तो ऑर्डर करी थी ना, झूठा करके इधर सरका दिया था। ये दोनों ले लो मेरे लिए, वहाँ से वो काली वाली ड्रिंक लेके आ जाओ। अब क्या कह रहे हैं दूसरा ऑर्डर कर दो, ये दोनों आप ले लो।
मतलब मेरे काम है पे। अब है ना ये 130 रुपए तो तभी वसूल होगे जब मैं डीआईवाई बनाऊंगी इन बोतलों का। ले लो मर लो, ये मर लो, हमारी कोई बड़ी गाल नहीं होती है, ये हमारी लैंग्वेज होती है, तो डोंट टेक इट इजी भाई। माउथ फ्रेशनर लाओ, बाकी तो दिमाग फ्रेश ये बच्चे होने नहीं देंगे। भजन चलता वेस्ट हुई है, ये जो ड्रिंक वेस्ट हुई है ना, इसका आप दिया है देखो, इसके ऊपर यहाँ स्नेह लगा देना, इसका चेहरा बना देना, नीचे पैंट की शर्ट बना देना और ऐसे रख देना। ये दिया रहा होता है आपके 265 टोटल बिल 140 हो गया। 140 कैसे यार, ठीक है कुछ नहीं। ये बिना सोचे समझे ऑर्डर करते हैं, फिर मुझे एडवाइस देते हैं कि अब आप ये कर लो वो कर लो वो। तो मैंने सुना था ये यूट्यूबर की वाली। तो यहाँ टोटल 1300 का बिल करवा के हम निकल गए हैं, अब देखना आगे कैसी हरकतें करते हैं। गाइस देखो आज आपका क्राफ्टर कितनी मेहनत कर रहा है। हम खड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। और इधर देखो अपनी कैंची वैंची घर से उठा के लेके आए पूरे हथियार के साथ। कोई इंसल्ट नहीं है, देखो चोरी हो रही है सर, हम पता नहीं किसके सरकंडे। ये सरकारी सरकंडे, सरकारी सरकंडे जितना मन करे उतने ले आओ। देखो भाई जितने सारे, मेरा मन कर रहा है पर मैं क्या करूं, मेरी गोदी में सो रहा है मेरा बच्चा। ये सब बहाने हैं दीदी, थोड़े से मेरे लिए भी ले आना। कौन किंग है मेरे इतना भरना कौन है यहां, मैकडॉनल्ड्स जयपुर की वाइब्स। जयपुर आ चुके हैं, 11 बजे आए हैं क्योंकि एक घंटा हम रास्ता इधर उधर भटक गए। एक घंटा कौन घंटा इतना भी हो, मेरे को ये खाना है बस। ये मुझे नींद आ रही है, आपको शॉपिंग करने जाना, मैं गाड़ी में सो जाऊंगी। नींद हमें भी बहुत आ रही थी ना। दिस इज डब्ल्यू आया WTP बैक साइड। चलो हम इसी मॉल में अभी जाएंगे, ये ब्लू दिख रहा है यही है। और ये SBG और परी के नाम से ये तारीफ है, सुन से कल से हमारे धन कहाँ और यहाँ पे पूरे पैसे लुटने वाले हैं गाइस। उससे पहले चाय पी लेते हैं, क्या पता फिर चाय पीने के पैसे। फिर वहाँ पर चाय भी 500 की मिली तो चाय बहुत महंगी मिलती है पंजाब रसोई। कुछ ट्राई कर रही क्या कर रहा है, उसको गेम जोन में जाना है, बस एक ही काम। चलते हैं पहले ऊपर तेजू को। क्या है, कहाँ से है ये नजारा? WTP से, WTP से, ये जयपुर का नजारा। ये रहा, ध्यान रखना नहीं। तो यहाँ गेम जोन में हम घुस गए बच्चों के लिए सबसे पहले जाके, क्योंकि अगर हम शॉपिंग करते तो ये हमें जीने नहीं देते। और यहाँ पर टिकट का अलग ही लफड़ा भाई साहब। पहले तो मैंने 630-650 की टिकट ली और उसमें बैलेंस आया 530 रुपए। और फिर जब गेम खेलना शुरू हुए तो 2 या 3 गेम खेले, एक दिव्या ने, एक तेजस ने और दोनों ने साथ में खेला। और फिर बैलेंस बच गया 52 रुपए। अब बोल रहे हैं कि एक साल में आप कभी भी वापस रिचार्ज करवाओगे तो ये 52 रुपए आपके आ जाएंगे। मतलब उस 52 रुपए के पीछे हम फिर से 1000 या फिर 600 रुपए खर्च करें, नहीं 1500 या 600 की टिकट थी, दो टिकट थी दो तरह की। तो ये दिव्या और तेजस ने साथ में गेम खेला, और इसके बाद दिव्या तेजस ने अपना जो वो शूटिंग वाला एक गेम खेला था, दिव्या ने एक डांस वाला खेला था। लेकिन भाई साहब ये यहाँ पर मुझे कुछ भी है ना बजट में नहीं लगा था। ऐसे पैसे मतलब आधे पहले ही कट जाते हैं और आधे बाद में बोलते हैं बैलेंस रह जाता है, गलत बात है ना। यहाँ तेजस नाम ना ये वाला गेम किया एंजॉय, इसका नाम क्या है पर क्या है, बैटमैन है क्या ये वाला। और फिर एक दिव्या का रहता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इसी गेम जोन में, जिसमें थोड़ी देर हमें और रुकेंगे और फिर हम पूरा मॉल घूमेंगे जो कि पूरा दिन लगने वाला है।
तो देखिए यहाँ की हम आपको प्लानिंग बता देते हैं ब्रीफ में। अब कितना घूमा जाएगा वो तो नहीं पता, इस मॉल को घूमना वो तो आज दिन पूरा लग जाएगा। उसके बाद हमें जाना है वो म्यूजियम कौन सा है वहाँ पर जाना है, और फिर जाना है चिड़ियाघर, मतलब इस बार बच्चों के लिए थोड़ा खास, और एक सस्ती मार्केट भी जाना है जो यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो इस प्लानिंग को कितना पूरा कर पाते, और फिर वापस इस मॉल में आना है क्योंकि आज बहुत कुछ हम यहाँ तय करके जाएंगे और नेक्स्ट डे आके उसको बाय करके जाएंगे।